नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश और गर्मी को लेकर। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में एक तरफ जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं पे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज़ गर्मी वाले हालात हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्री मानसून में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। बता दें कि प्रदेश के 6 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट और फिर डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि इस दौरान आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, खास करके बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो धूप में ना निकलें, खास करके बच्चों को लेकर डॉक्टरों ने खास अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में जिस तरह से बारिश और गर्मी के हालात हैं, ऐसे में आइए सबसे पहले बारिश को लेकर बात करते हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हुई रिकॉर्ड बारिश। बता दें कि कटिहार के कदवा में भारी बारिश दर्ज की गई है, यहां पर 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बता दें कि यह प्री मानसून में सबसे अधिक बारिश है। इसके साथ साथ पूर्णिया के डोंगरा घाट में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर और उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व के भागों में एक से दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह सतर्क से 0.9 किलोमीटर ऊपर है। इधर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पूर्वी पश्चिमी टर्फ लाइन रेखा उत्तर पश्चिम राजस्थान से पश्चिमी असम तक, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से होकर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर से गुजर रही है। प्रदेश के पश्चिमी टर्फ रेखा के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटे में राज्य के बक्सर, कैमूर, रोहतास, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले में एक से दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के बक्सर और औरंगाबाद में लू की स्थिति बनी रही। इस दौरान राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री यानी कि औरंगाबाद में जो है यह तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में पछुआ एवं दक्षिणी पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में लू चलने की बात बताई गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि वर्तमान के कई जिलों में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार के दो अलग अलग हिस्से, दक्षिणी हिस्से में जहां हीट वेव की स्थिति है, तो वहीं पे उत्तरी बिहार में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जो कि एक तरह से कह लें कि एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण उत्तर बिहार में बारिश हो रही है, जबकि दक्षिणी बिहार का वो हिस्सा है जो गर्मी से तप रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।